हम ये पांच कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे इसमें मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार अबैंडेड बेबी पैटर्न्स, थ्री व्हाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक राउस ओके फर्स्ट इज मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न्स एंड अबैंड बेबी पैटर्न्स। सो गाइस मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न्स में दे आर समवट सिमिलर टू अबैंडनड बेबी पैटर्न इनमें बहुत ही एक स्लाइटली डिफरेंस है जैसे इनसाइड बार और हैरमी पैटर्न्स में था उसी टाइप का डिफरेंस है इसमें ठीक है तो प्लीज मॉर्निंग इवनिंग स्टार पे फोकस करिएगा एंड तो आपको अबैंडनड बेबी पैटर्न्स अपने आप ही समझ आ जाएगा करेक्ट ओके okay. मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्री कैंडल्स अभी कौन सी तीन कैंडल्स होती हैं सी मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार स्टार मतलब सुबह का स्टार सुबह हम जनरली पॉजिटिविटी से इंडिकेट करते हैं कि सुबह हो गई है उम्मीद की किरण तो इस बेसिस पे वेस इसका नाम दिया हुआ है मॉर्निंग स्टार इसमें बेसिकली क्या होता है एक रेड कैंडल होता है रेड कैंडल क्या इंडिकेट करते हैं? नेगेटिव सेंटीमेंट नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद अगली कैंडल और गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलती है मतलब मतलब पिछले लेवल जो क्लोज हुआ था उससे भी काफी नीचे खुलती है इन यहां पर एक कंफ्यूजिंग कैंडल दिखाती है या तो डोजी या स्पिनिंग टॉप या हैमर और इन्वर्टेड हैमर में से कोई कैंडल करेक्ट तो वो चार कैंडल्स यहां पे आती हैं एंड जो थर्ड कैंडल है वो गैप अप होती है इसका मतलब पहले नेगेटिव सेंटीमेंट था उसके बाद और ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट आया एकदम से गैप डाउन खुली बियर्स पूरे कंट्रोल में थे मार्केट के बेयर फेस के उसके बाद यहां पर एक कंफ्यूजिंग कैंडल खुलती है कंफ्यूजिंग कैंडल खुलती है एंड नेक्स्ट डे बायर्स जो हैं, वो बहुत एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर देते हैं जो बुल्स हैं, वो एकदम से सिचुएशन का चार्ज लेते हैं यहां पे लोगों को लगता है कि यार बहुत सस्ता शेयर मिल रहा है बहुत सस्ती प्राइस में मिल रहा है तो हमें एकदम से ले लेना चाहिए एंड एज ए रिजल्ट अगले दिन गैप अप होता है गैप अप होता है एंड शेयर कंटेन्यूसली एक बड़ी लंबी ग्रीन कैंडल देता है और ये ग्रीन कैंडल ये पिछला रेड कैंडल का जो लेवल है इससे ऊपर चली जाती है करेक्ट सो दिस वाज आर मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसमें हम केवल बॉडीज देखते हैं शेडोज नहीं देखते तो बेसिकली बॉडी के बीच में गैप होना चाहिए करेक्ट नाउ सिमिलर टू दिस इज इवनिंग स्टार पैटर्न इवनिंग स्टार में बस एक फर्क आया ये जो कैंडल्स हैं, ये पलट गई एंड ये ऊपर आ गया इसका मतलब यह पैटर्न एक तरह से उल्टा कर दो तो इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है अब एक बार सोचिए इसकी क्या फिलॉसफी रही होगी इसकी क्या साइकोलॉजी रही होगी इट इज एक, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है इन बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनती है या हैमर और इनवर्टेड हैमर कैंडल्स में से कोई पैटर्न बनता है गैप अप होता है गैप अप इंडिकेट करता है कि भारी कंट्रोल अभी भी है बुल्स का लेकिन एकदम से लोगों को लगता है कि यार ये प्राइस बहुत महंगा है और एकदम से जो बेयर्स हैं वो अगले दिन प्राइस को गैप डाउन कराते हैं बुल रन में मतलब जब शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली जब पॉजिटिव ट्रेंड है उस टाइम पे गैप डाउन कराना बहुत बड़ी चीज है गैप डाउन का मतलब एकदम से नेगेटिव ट्रेंड हो गया है उसके बाद कंटिन्यूसली शेयर फॉल हो रहा है अब कंटिन्यूसली शेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि बीर्स ने कंट्रोल कहीं ना कहीं तक ले लिया है तो ये एक पेरिश रिवर्सल पैटर्न है इसमें भी जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है यानी जो ग्रीन कैंडल का लेवल है उसको ये रेड कैंडल ब्रीच कर देती है और उसके बाद हम ये ट्रेड ले सकते हैं तो एक बार इनको चार्ट में भी देखते हैं कि ये चार्ट में कैसे आते हैं ओके तो जैसा कि हमने देखा कि यहां पे ये गैप है यहां पे ये गैप है गैप इज अकरिंग बिटवीन द बॉडीज ओके सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां पे कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल आई एज एक्सपेक्टेड उसके बाद गैप डाउन हुआ एज एक्सपेक्टेड लेकिन गैप डाउन के बाद गैप अप हुआ मतलब इतने जो अच्छा सेंटीमेंट नहीं चल रहा था जो एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था उसके बाद गैप अप कराना इज अ गुड पॉसिबिलिटी एंड शेयर यहां से ऊपर गैर अच्छी ग्रीन कैंडल दी नौ कई लोगों का सवाल होगा कि यार हमने इस लेवल की बात करी थी लेकिन इस पैटर्न में तो यहाँ पे 50 परसेंट क्रॉस करते ही हमने ट्रेड ले लिया अगर हम इस कैंडल और इस कैंडल सिर्फ इन दोनों कैंडल्स को साथ में रखें तो एक तरह का डार्क पेसिंग पैटर्न है जैसे ये ब्रेड कैंडल गैप डाउन हुआ लेकिन 50 परसेंट मार्क ब्रीच कर लिया तो कैस मैंने इंटेंशनली ये करा है क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इट्स अ आर्ट इट्स नॉट साइंस तो मेरा बिलीफ ये रहता है कि हम इसको क्रॉस करें तो लेकिन बहुत एक्सपर्ट्स काफी बड़े एक्सपर्ट ने काफी रिनोन्ड एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हम ये 50 परसेंट लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं तो मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बताई है आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं चार्टी कौन से पैटर्न में सक्सेस इशू ज्यादा है मैं ये नहीं कहता कि इसमें कम है कोई सक्सेस रेशियो बट मैं जनरली वो प्रेफर करता हूं करेक्ट नाउ वन मोर थिंग गैप होना चाहिए दिस इज मैंडेटरी इट इज इनरेलीवेंट कि यहां पे ज्यादा गैप है या यहां से कम गैप है या यहां पे ज्यादा गैप है यहां पे कम गैप है करेक्ट इट्स अबाउट द सेंटिमेंट एंड अगर सेंटिमेंट ये कहता है कि शेयर प्राइस यहां पे नेगेटिव चल रहा था और उसके बाद चेंज आया गैप अप हुआ है, ग्रीन कैंडल दी है तो इसका मतलब फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है एंड अगर ये कैंडल जो है ये कोई डोजी होती या स्पिनिंग टॉप होती या हैमर होती, बेसिकली कोई वीक कैंडल होती या कोई कैंडल होती जिसकी बॉडी छोटी होती तो गाय हम इसको कंसिडर नहीं करते हमें एक डिसेंट बुल कैंडल चाहिए एंड करेक्टली एज अ रिजल्ट फिफ्टी परसेंट पेनेटरेशन हुआ एंड एंड शेयर का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया करेक्ट नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज इवनिंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न में भी शेयर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी एक बुलिश एंड गल्फिंग पैटर्न बनाया यहाँ पे अगले दिन भी गैप अप हुआ गैपअप के बाद एक कंफ्यूजिंग स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है ये दिन गैप डाउन हुआ हुआ 50 एंड शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया पिछली कैंडल के 50 परसेंट मार्क को तो क्रॉस कर ही दिया सो so, इसमें भी गए सेम सेंटिमेंट है अच्छा सेंटिमेंट चल रहा था बुल्स का कंट्रोल था एकदम से अप भी कराया बुल्स ने लेकिन यहां पे थोड़ी सी मार्केट कंफ्यूज लगी लोगों का सेंटीमेंट मिक्सड रखा कोई भी कन्विंस नहीं था कि क्या होगा या काफी थी कि क्या प्राइस शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है एंड अगले दिन एक भारी गैप डाउन हो गया करेक्ट सो so इस पैटर्न में जो हमारा रेजिस्टेंस रहती है वो इस कैंडल का हाई रहता है जो वीक कैंडल होती है जो मिडल कैंडल होती है इसका हाई रेजिस्टेंस रहता है और इसी के ऊपर हमारा stop loss होता है, करेक्ट गाइस एक मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस केसेस में कई बार क्या होता है कि यहां पे मार्ग ब्रीच करा लोगों ने डे एंड पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया अगले दिन शेयर प्राइस नीचे खुलता है तो लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन थोड़ा 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 ऊपर चला जाता है तो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं यार हमारी पोजीशन तो नेगेटिव में आ गई सी, मैं आपको हमेशा एक बात बताना चाहूंगा कि आपको अच्छे रिटर्न के लिए एक अच्छा टाइम देना पड़ेगा जिस तरीके से जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं आपको एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए अच्छा टाइम देना पड़ता है way, अगर आपको यहां पे अच्छी एक रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम देना पड़ेगा यहां पे यहाँ पे एक कैंडल जरूर बड़ी ग्रीन कैंडल आई बड़ी नहीं मतलब हाँ लेकिन एक डिसेंट ग्रीन कैंडल आई उसके बाद रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल एंड यहाँ पे काफी नीचे शेयर आ गया बट ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इंस्टेंटली शेयर इतना नीचे ना आए एंड बहुत ही धीरे धीरे करके आए लेकिन हाँ विद इन थ्री फोर डेज आपको रिजल्ट दिख जाता है अगर आपको चार पांच दिन या तीन चार दिन में भी रिजल्ट नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है बट एक दिन में या कुछ घंटों में जज करना कि क्या ये पैटर्न ठीक है या नहीं दैट इज इनकरेक्ट ओके सो दिस वॉज आर मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड इवनिंग स्टार पैटर्न करेक्ट now let's move on to our next set of patterns abandoned baby patterns उसके बाद हम इनका एग्जांपल देखेंगे ठीक है अबैंडनड बेबी पैटर्न्स को हम अबैंडनड बेबी टॉप एंड अबैंडनड बेबी बॉटम बोलते हैं जैसे मैंने पिछले मॉर्निंग स्टार की डेरिवेशन बताई अगर आप मुझे इस पैटर्न के नाम की डेरिवेशन भी पूछेंगे तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए अब किसने क्या सोच के किस दुख में ये नाम रखा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता बट अनफॉर्चुनेटली नाम ये ऐसा ही थोड़ा सा नाम है Guys, इसमें बेसिकली क्या होता है जैसे पिछली बार बॉडीज में गैप था इसमें बॉडीज में भी एंड शैडोज में भी गैप है अब जैसे यहाँ पे इन दोनों शायडो में भी गैप है एंड इन दोनों शैडो में, में भी गैप है सिमिलरली इन दोनों शैडोज में भी गैप है एंड इन दोनों शाइडोज में भी गैप है अब अब यह मैं ये मैं सोचिए कि येलो लाइन से बाहर निकल रहा है तो क्या है या क्या ये मैंने जान मुझके करा है कि इस और इस गैप में जो एक ग्रीन कैंडल है और कंफ्यूजिंग कैंडल है इन दोनों के गैप में जितना डिफरेंस है उससे कम डिफरेंस है रेड में में बट दैट मेक अ डिफरेंस सिमिलरली यहाँ पे जो रेड कैंडल है इन इन दोनों में जो गैप है इन दोनों में उनसे कम डिफरेंस है एंड दैट मेक अ डिफरेंस सो अगर शेडोज भी गैप बनाती है इसी फॉर्मेशन में तो हम उन्हें अबैंडन बेबी पैटर्न्स बोलते हैं बट गायस ट्रस्ट मी ये पैटर्न मतलब ना के बराबर ही दिखते हैं इट इज लाइक रियली वेरी हार्ड टू फाइंड बिकॉज इट नवर रियली अकर्स लेकिन अगर डेफिनेटली आपको कभी कोई दिख जाए तो दिस कैन गुड अ वेरी वेरी अमेजिंग रिटर्न करेक्ट ओके सो दिस वॉज आर अबैंड बेबी पैटर्न ंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक लेटेस्ट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार पैटर्न ओके बिगर द गैप एंड लार्जर द बॉडी स्ट्रॉन्गर द पैटर्न जैसा कि हम अभी तक सारे ही पैटर्न में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं सारे ही कैंडल स्टिक्स में अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जितना बड़ा गैप होगा एंड जितनी बड़ी बॉडी होगी पैटर्न उतना ही स्ट्रांग होगा करेक्ट स्टार पैटर्न्स में सिर्फ बॉडी कंसिडर्ड होती है शेडोज हम नहीं देखते जो बीच वाली कैंडल है वो इनडिसाइसिव कैंडल जो होती है वो किसी भी कलर की हो सकती है एंड थर्ड डे पे जितनी वॉल्यूम है उतना पैटर्न इफेक्टिव है बिकॉज पहली दो कैंडल बेस फॉर्म कर रही हैं जो मेन रिवर्सल आ रहा है वो थर्ड कैंडल में आ रहा है तो जितनी वॉल्यूम्स उसमें ज्यादा होंगी उतना पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव होगा नॉ मॉर्निंग स्टार के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्निंग स्टार मतलब उम्मीद की किरण उम्मीद की किरण मतलब बुलिश रिवर्सल बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है ये तो स्टार्ट किससे होगा स्टार्ट बियरिश कैंडल से होगा पहले बियरिश कैंडल आएगी रेड कैंडल आएगी उसके बाद एक इंडिसाइसिव कैंडल आएगी मतलब वो कैंडल जिससे कुछ ज्यादा हो नहीं रहा एंड जो थर्ड कैंडल आएगी वो बुल कैंडल आएगी जो क्लियरली इंडिकेट करेगी कि बुलिश एटमोस्फियर है करेक्ट अगर जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के अब क्लोज करती है तो डेफिनेटली वी कैन टेक अ ट्रेड बट कई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वो फर्स्ट कैंडल का 50 परसेंट क्रॉस कर देती है तो भी वी कैन टेक अ ट्रेड सो मैं खुद बोलूंगा कि आपको आप खुद इस चीज पे रिसर्च करें आप दो चार शेयर देखिए आप खुद देखिए कौन से आपके हिसाब से ज्यादा सक्सेसफुल है टोटली totally सब्जेक्टिव इवनिंग स्टार की कैरेक्टरिस्टिक पहली बुल कैंडल होती है बिकॉज बेयरिवर्सल है तो शुरुआत पॉजिटिव से नेक्स्ट कैंडल कंफ्यूजिंग कैंडल एंड उसके बाद बियर्स टेक ओवर करते हैं बियर्स वापस अपनी कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं ओके okay? So, इसमें भी अगर सिमिलर है जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल का जो को हमने पढ़ा पिछली स्टार के पैटर्न में इट्स सिमिलर कि अगर जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग ब्रेक कर दे तो वी कैन टेक अ ट्रेड कई लोगों का मानना है फिफ्टी परसेंट भी हम फिफ्टी परसेंट के बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं ओके सर दिस वाज अ मॉर्निंग पैटर्न एंड इवनिंग पैटर्न अब एंड बेबी के भी कंप्लीटली सेम है सिर्फ उसमें शेडोज भी कंसिडर होती हैं दैट इज इट सो दिस वॉज आर फर्स्ट पैटर्न फर्स्ट थ्री कैंडल पैटर्न सो गाइज ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक नए कैंडल पैटर्न के बारे में ओके okay?